अब बस इंतजार उस पल का है जब चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 उतरेगा, क्योंकि आज बात चांद की है, चंद्रयान की है, विक्रम की है, प्रज्ञान की है। इसलिए बिग फाइट में आज बहस नहीं, चर्चा होगी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ है, और साथ ही वैज्ञानिक महेंद्र लांबा जी भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत महेंद्र जी आपसे ही करते हैं। ऐतिहासिक दिन रहेगा, ये तारीख याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ पूरा विश्व भी, लेकिन कितनी बड़ी उपलब्धि आप भारत के लिए मानते हैं? सबसे पहले तो मैं इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मिशन के लिए है जो इतना बड़ा काम किया और अपना अथक प्रयास लगातार जारी रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर है जो भारत पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, जो ये चंद्रयान टू के ऊपर है जो अपना मिशन लैंड करवाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो लैंडर और जो रोबोटिक यान जो विक्रम होगा वो यहाँ के जो स्टडी करेगा, यहाँ के नमूने एकत्रित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ का जो तापमान है जो -153 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके कारण यहाँ पाया जाने वाला जो जल है वो यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, दूसरा सैचुरेटेड अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी है जो उनकी भी पहचान की जाएगी। दूसरा, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरव होगा कि भारत ने पहली बार, यानी विश्व में जैसे विकसित देश अमेरिका है उन्होंने भी है जो अपने अभियान भेजे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, और भारत ने पहला ऐसा मिशन भेजा है जो अगर सफल हो जाता है तो भारत विश्व में ऐसा पूरा पहला देश हो जाएगा, और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, हमारे वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात होगी। बिल्कुल, मानचंद खंडेला जी से आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं, क्योंकि इंतजार सभी को है, हर कोई चाहेगा कि इससे इस लैंडिंग को वो देखे, और शायद वक्त भी 1.5 और 2.5 से बीच का है। देखिए, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, आनंदानुभूति अपरंपार, और हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और हम जो वैज्ञानिक है उनको हम सलाम कर रहे हैं। ये इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया इस समय नहीं है, और हम उस क्षण की वास्तव में जो है इंतजार कर रहे हैं जब लैंड वास्तव में करेगा, सॉफ्ट तरीके से करेगा। लेकिन देखिए, मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, न मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं जान पा रहा हूँ, उसको मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के जो अभियान चले हैं उसमें 27% सक्सेस रेट रही है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, लास्ट में जो कुछ हुआ वो इसराइल जैसे बहुत ही डिवोटेड कंट्री ने इस प्रकार का प्रयास किया था, जो सारे सब कुछ होने के बाद में अंतिम क्षण में वो असफल हो गया था। अब हम क्योंकि ऑलमाइटी में भी विश्वास करते हैं, वैज्ञानिकों में तो हमारा अटूट विश्वास है ही है, और जो वर्तमान में जो नेतृत्व दे रही है सरकार उसको भी हम सलाम करते हैं, और हम यही गुणगान करते हैं, अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं कि वो क्षण आए 1:00 के 1:30 बजे के आसपास में, तब हम उसको देखें अपनी आंखों से। इसके आगे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका महत्व अपने आप में है क्या, महत्व ये तो है ही कि चौथा देश बन जाएगा जो बन जाएगा, इसमें कोई शक सुबह हमारे को नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए रूस ने पहले आपको टेक्निक देने की बात की थी, उसके बाद में रूस ने हाथ खींच लिए, उसके बाद में भारतीय वैज्ञानिकों का ना कोई बात नहीं, इंडिजिनस तरीके से स्वदेशीकरण के साथ में हम इसका उत्पादन करेंगे, और हमने कर लिया और हमने भेज दिया। इसके आगे की बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अब क्या होगा। देखिए, ये जो कई बार क्या होता है, अति जो है ना वो भी कुछ ना कुछ अलग प्रकार का संदेश दे देती है। ये चंद्रयान प्रारंभ किया उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था कि अब हमें चंद्रमा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये अपने आप में स्ट्रेटजी भी हो सकती है, अपने आप में कोई व्यूहरचना भी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने परमाणु शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए परमाणु बम बनाए उसके बाद उन्होंने कहा और कोई नहीं बनाएगा, तो मैं समझता हूँ ये जो नीति है या जो रीति है या जो तरीका प्रधानमंत्री का, मैं समझता हूँ कि सकारात्मक रूप से जाएगा, और कुछ ना कुछ वहां पर अभी आप जो वैज्ञानिक तौर पर जिस प्रकार की बात कर रहे थे साहब वहां पर, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है क्या वहां पर पानी है। अगर वहां पानी है तो कहने वाले ये कहते हैं, मैं तो नहीं जानता क्या, लेकिन वो कहते अगर पानी है तो आप समझ लीजिए गंगा आ गई, और उसके बाद में अब उसके बाद क्या होगा, वहां से प्रक्षेपण संभव हो पाएगा, और मैं दूसरे जो ब्रह्मांड के जो उपग्रह ग्रह हैं उन तक पहुंचने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और अंतिम बात यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, अभी हमें उस क्षण का इंतजार करना चाहिए आतुरता के साथ में और मनोकामना के साथ में कि हम सक्सेस हों। अगर हम सक्सेस होते हैं, जो कि होंगे, तो मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और उसको पूरा देश। महेंद्र लामा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसी बात पे?
मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो इसरो नासा के द्वारा जो अपनी पत्रिका प्रकाशित की गई थी उसमें नासा ने खुद ने यह पुष्टि की थी कि जो भारत के द्वारा जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था उसने जो वहाँ की इमेज भेजी और उनसे पता लगाया कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता उसकी संभाव्यता 100% है, तो उस संभाव्यता को हमें वास्तविकता में बदलना है और यही वास्तविकता में बदलने का काम करेगा हमारा चंद्रयान 2। क्योंकि इससे पहले जो हमने यान भेजा था वो एक प्रकार का ऑर्बिटर यान था जो उसके ऊपर लैंड नहीं करवाए थे हमने, अब की बार पहली बार हम उसके ऊपर लैंड करवाएंगे, जो हमने एक संभाव्यता व्यक्त की थी कि पानी है या नहीं है उसको वास्तविक धरातल पर लाएंगे। दूसरा कि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं किस हद तक उपलब्ध हैं उनको भी हम यहाँ से जो नमूने एकत्रित किए जाएंगे उनके बारे में जो पता लगाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं, अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो यहाँ पर है जो क्योंकि उसकी विदेशों में बहुत बड़ी मांग होती है, तो उसका निर्यात करके और इस तकनीकी का निर्यात करके भी भारत कहीं ना कहीं अपनी जो वर्चस्व है स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको बढ़ा सकता है। बिल्कुल ठीक है पंकज मेहरा जी, एक सेकंड प्लीज इस तरह की बात नहीं करें अभी, क्योंकि हम आगे वहां से प्राप्त करना नहीं चाहते, हम अन्वेषण करना चाहते हैं बस। ठीक है लेकिन हम उस पे भी बात करेंगे कि आखिर हम इससे फायदा क्या क्या, उपलब्धि तो बड़ी होगी लेकिन क्या इससे आगे फायदा, कैसे हमारा देश आगे इस ओर भी बढ़ सकेगा, उस पे भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन पंकज मीणा जी एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे, बीजेपी नेता हैं आप और हालांकि कुछ भी अच्छा होता है तो साथ साथ राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति से इतर इस उपलब्धि को किस तरह से देखेंगे आप, इंतजार हर आमो खास को है आज उस पल का। लेकिन निश्चित रूप से आज खुशियां परंपार है और मेरे को लगता है पूरा हिंदुस्तान सांसें रोके 1:40 का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही 1:40 होगा मुझे लगता है कि आज पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा, पर्व मनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सुविधा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी देश के ऊपर जब एक मजबूत नेतृत्व शासन में होता है और एक स्पष्ट विचारधारा वाली सरकार होती है तो मैं समझता हूँ कि चहुंमुखी विकास होता है। अगर आज देखा जाए तो 5 अगस्त को जो धारा 370 वाला एपिसोड होता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्लीज सर, अरे आप अपनी बात कहेंगे किसी दूसरे को बोलने नहीं देंगे, आप अपने भाई से अपने पास रखिए, आप अपने भाई से अपने पास रखिए, अरे किसी को राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए, ठीक है पंकज मीणा जी अपनी बात देखिए सर, खास दिन है इस तरह से, इस तरह से चलिए ठीक है पंकज मीणा जी ठीक है एक मिनट पंकज मीणा जी आपने अपनी बात रखी, ठीक है सर वापस आपके पास आएंगे। भूगोल शास्त्री डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़े, अनिल जी आपका बहुत स्वागत है, बेहद अहम पल है लेकिन समझना आपसे साथ ही ये भी चाहेंगे कि उपलब्धि है बड़ी और शहर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये सफल हो लेकिन सफल होने का प्रतिशत कम है और इसलिए इसरो चेयरमैन ने भी ये कहा कि वो 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जब वो लैंड करेगा। सर क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं बात कहूंगा कि देश के लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और इतना अपना देश में विदेश में अपना जो एक वर्चस्व बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के लिए ये इतनी बड़ी उपलब्धि है तो हम ऑब्वियसली बहुत खुश हैं और आने वाली जनरेशन को भी इस प्रकार से काफ़ी उसके लिए टेक्निकली हम लोग सीख पाएंगे कि किस तरह से स्पेस में किस तरह से हमारे प्लैनेट्स कार्य करते हैं और उनका क्या रोटेशन रहता है, कैसे हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उन सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा देश के लिए अपने आप में एक प्रतिष्ठा का बात है और उससे बहुत साइंस की जो टेक्नोलॉजी हमारे प्रोग्रेस हो रही है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल महेंद्र जी, चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 किस तरह से अलग है, बेहतर है और क्या कुछ और नई उपलब्धि ठीक है रहेगी हमारी, हम जब इसको सफल भी हो जाएंगे उम्मीद भी इस पूरा देश यही कर रहा है, लेकिन कैसे ये दोनों अलग हैं? जो चंद्रयान 1 हमने जो भेजा था वो एक ऑर्बिटर मिशन था, उसमें क्या था कि जो ऑर्बिटर यानी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए केवल वहाँ की जो इमेज एकत्रित की थी, वहाँ के जो नमूने हमने जो एकत्रित करने के लिए जो चंद्रयान 2 बनाया था उस वो क्या करेगा वास्तविक रूप में धरातल पर उतरेगा और जो हमने साउथ पोल जो चुना है उसके ऊपर जो हमारा जो प्रज्ञान जो विक्रम को उतारेगा और विक्रम एक रोबोटिक यान है जो वहाँ के जो नमूने एकत्रित करेगा, तो इससे पहले हमने कभी भी है जो ऐसा कोई रोबोटिक यान नहीं भेजा जो चंद्रमा के ऊपर लैंड कराया, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हमने
रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के समझौता किया था, लेकिन एक टाइम पर आकर के उसने भी जो मना कर दिया। इसके बाद में भारत ने जो अपना खुद का GSLV उसको विकसित किया और 2015 में हमने उसका सक्सेसफुल परीक्षण भी किया है और उसी GSLV Mark III से हमने जो इस सैटेलाइट को मतलब इस अभियान को हमने अंजाम दिया है। तो एक तो ये हो गया कि ऑर्बिटर मिशन की तुलना में ये रोबोटिक यान प्लस लैंडर दोनों को लेकर के गया है, क्योंकि लैंडर जो देने वाला था रूस उसने मना कर दिया, तो हमने ये अपनी तकनीकी से हमने खुद विकसित किया है और ये हमारी तकनीकी बढ़त को है जो दर्शाएगा। बिल्कुल, लेकिन महेंद्र जी एक और खास बात है, पहले हम दूसरे पर डिपेंड थे, जब वहां से नकारा गया, मना किया गया, इसके बाद हमने कुछ उस सोच से लेकर यहां पहुंचने तक कितना मुश्किल ये राह रही होगी? ये काफ़ी मुश्किल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जैसे क्रायोजेनिक इंजन आता है उसमें जो लिक्विड मतलब ईंधन के रूप में देखें तो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जिसको -183 या 253 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है जो द्रव बदला जाता है। ऐसी तकनीकी को प्राप्त करना और उसको विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि पहले तो जब रशिया ने साथ में आया तो उसने कहा था कि मैं ये तकनीकी दे दूंगा, लेकिन एंड टाइम पर उसने जो मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के वैज्ञानिक जो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं, उन्होंने ऐसा काम किया और ये तकनीकी हमने अपने स्तर पर इसको विकसित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने जो स्पेस जो ये चंद्रयान 2 भेजा है, अगर ये सफल होगा तो उसके साथ साथ जो अन्य ग्रहों के ऊपर जो अभियान भेजे जाएंगे वो हमारी मतलब एक तरीके से भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। और दूसरा कि इस मिशन की सफलता के साथ ही हम क्रायोजेनिक तकनीकी के रूप में एक एक्सपर्ट के तौर पर जो उभरेंगे। बिल्कुल, और अनिल जी ठीक है, हम बड़ा कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी 3 देश थे लेकिन वो उत्तरी ध्रुव पे थे, दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार जब कोई देश इस तरह से जाकर लैंड कर रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगी। क्या इसके फायदे आपको नजर आते हैं सर, और किस तरह से बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में जाएगी, दूसरे देश इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जहां तक बात आती है, मैं आपको भूगोल शास्त्र के हिसाब से आपको बताऊं कि जो भी हम जितना स्पेस में जितना भी रिसर्च हुआ है आज तक, और उस रिसर्च का जो जितना डेवलपमेंट आज कर पाए उससे कहीं ज़्यादा हम सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। भारत देश को जो हम दुनिया में अपने आप को विज्ञान के तरीके के जो जितने प्रोसेस हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, उन सब का जितना हमने आज गेन किया है वो शायद कोई और देश इतना नहीं कर पाया है। क्योंकि आज़ादी के बाद से जब से हमने जितना साइंस में जो ज्योग्राफी के थ्रू जितना स्टडी हुआ है, जितने मिनरल रिसोर्सेज की बात की जाए, वो सब हम अदर प्लैनेट्स का भी किस तरह से उनका मूवमेंट रहता है, किस तरह से वो अपने आप में जो उनका स्ट्रक्चर है, मास है, उन सब पर लाइफ सर्वाइव कितना हो सकता है, कितना किस तरह से अपने आप को हम उसका लाभ उठा सकते हैं, इस सब के लिए टेक्निकली ये जो डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली हमारे लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक अपने आप में नई एक इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने को जाननी भी चाहिए और हमारे जो दर्शक उनको भी जानना चाहिए। देखिए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप जो है ज्यादा जानेंगे, मैं अपनी सामान्य जो मेरा ज्ञान है उसे बता रहा। एक तो ये, इसमें केवल इंटेलेक्ट जो है ना वो आर्टिफिशियल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट बनाकर वो अपने आप जो निर्णय करेगा वहां पे ऑन द स्पॉट। सर वो तो ओरिजिनल, उसके अंदर बात तो टेक्निकली तो ओरिजिनली की गई है और आर्टिफिशियल नहीं है, बनाया गया वो। अब मैं आप ही की बात हो रहा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, मैं हो सकता है कि विज्ञान की भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन वो आर्टिफिशियल जो इंटेलेक्ट है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। एक बात तो ये, दूसरी बात अभी आप जो बता रहे थे कि ऑर्बिट से जो कुछ आप पिक्चर ले रहे थे, अब आप क्या रहे बिल्कुल वहां जाकर पिक्चर लेंगे, है ना? तो ये जो नजदीकी से जो है उसको हम नजदीकी से उस चीज को जान पाएंगे कि क्या इसका किस तरह से मैकेनिज्म है, किस तरह से वो बन पाया है। यानी चंद्रयान 1 का अगला स्टेप ही चंद्रयान 2 है, जो हम पहले ऑर्बिट में थे अब हम उधर लैंड कर और उसके बाद तो और ज्यादा क्लियर पिक्चर, और ज्यादा चीजें क्लियरली सामने आ सकेंगी, अदर जो सराउंडेड जो प्लेसेस हैं उन सबको भी जान पाएंगे कि किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं और कैसे उसमें। एक बात ये कहनी है कि जब वो वहां पे लैंड करेगा, जिसको अपन कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है वहां पे स्पेस नहीं है, वैक्यूम है, और वहां पे इतने बड़ा जैसा टेम्परेचर बताया वो ज्यादा सही है वो बता रहे हैं। अब वहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कही गई है और हमने भी जानी है सुनी है कि अगर बाल के बराबर भी दो बातों में अगर डिफरेंस आ गया, यानी अगर आप आगे चला गया तब भी डेंजर है और अगर पीछे रह गया तब भी डेंजर है, तो ये जो क्षण है ना वो हमारे लिए बहुत ही आतुरतापूर्ण तो होंगे, लेकिन वंदना करते रहे वो भी हमारे क्षण होंगे कि ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होगा वो, जबकि वहां पर बाल के बराबर भी कमी रह गई
तो उसके सक्सेस की संभावनाएं कम हो जाएंगी और हम समझते हैं कि सक्सेस पूरा होगा। प्रयासरत तो प्रोत्साहन ही है, प्रयास तो किया। लेकिन महेंद्र लामा जी, ये सक्सेस रेट की जो बात हो रही थी कि 27 से 37% ही उम्मीद है कि ऐसे सफल हो सकता है, और लास्ट के 15 मिनट्स भी इसलिए क्रूशियल, इसरो के चेयरपर्सन भी बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल यही है कि स्पीड, इतनी स्पीड में होना, उसे कंट्रोल करके फिर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। आप इसे किस तरह देखेंगे, क्या वाकई में इतना कम रेशियो है सक्सेस रेट का? बिल्कुल सही, क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी तक बहुत से देशों ने जो अपने अभियान भेजे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए, जैसे ना इजराइल का उदाहरण बताया। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ, बताऊँ कि जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की है, भारत पहली बार ये सॉफ्ट लैंडिंग कराने जा रहा है। दूसरा, जो ये 1:30 से 1:55 का जो 15 मिनट का जो टाइम होगा वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो इसरो का उस मतलब जो अभियान है उसके ऊपर, चंद्रयान 2 के ऊपर है, जो नियंत्रण नहीं रहेगा। दूसरा, उसकी स्पीड है जो 6 किलोमीटर/सेकंड होगी। अब 6 किलोमीटर/सेकंड बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, उसको लाना है अपने को 2 मीटर/सेकंड, और जैसे ही 2 मीटर/सेकंड ला करके उसको लैंड कराना है, ऐसे क्षेत्र पर लैंड कराना है जहां पर बिल्कुल जो उबड़ खाबड़ जमीन ना हो, कहीं पर है जो गड्ढे हैं, खाइयां हैं, तो ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति के अंदर उसको लैंड कराए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो दो क्रिएटर जो हमने चुने हैं, जिनके ऊपर है जो वो देखेगा अपनी स्थिति है, जो उसको जांचेगा, और उन दोनों के अंदर है जो अपने को लैंड करवाएगा, ताकि वो सक्सेसफुल जो रेशियो की बात बता रहे हैं सर, उसको हमें जो अपनी तरफ से कैसे 100% बदल सके। बिल्कुल पंकज जी, अब उपलब्धि तो ये बड़ी है, इंतजार भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि दुआ पूरा देश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो जो लास्ट 15 मिनट की बात कही जा रही है उसी पर सबकी निगाहें टिकी है कि बस कुछ भी कमी ना रह जाए और ये मिशन हम पूरा कर लें। श्वेता, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ में, कोई गेस्ट बोल रहा हो और दूसरा गेस्ट ऑब्जेक्ट करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं, यही कह रहा हूँ। अब ये देखिए, फिर ये बीच में बोले, बदतमीजी है, ये चुप नहीं रह सकते, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोले, चुप रहने की नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलना बर्दाश्त नहीं होगा। बात ही नहीं कर रहे, नहीं, एक मिनट पंकज जी एक मिनट सर, बिल्कुल सही, आपको नहीं बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, ये आपकी प्रतिक्रिया है। पहले हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई सर लड़ाई झगड़ा बहस नहीं, मानचंद जी, मानचंद जी सर, आपने भी बात कही, उन्होंने भी धैर्य से सुना सर, उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात बोलने दीजिए। इसके बाद 16 मिनट के डिबेट के अंदर 1 मिनट में अगर नहीं बोलूंगा तो बताइए किस तरह चलेगा, नहीं बिल्कुल, और 1 मिनट के अंदर पंकज जी, बड़ी बात है, अहम सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिए, छोड़े ना सर इस बात को, आप उसी बात का जवाब दीजिए। दुआएं भी कर रहे हैं, एक बड़ा मिशन है, हर कोई उम्मीद यही कर रहा है कि ये पूरा हो। पंकज जी, आप इस पर रिएक्शन, क्योंकि सर वक्त भी खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे देश आज इस बात के लिए सांस रोके खड़ा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और पूरा देश आज मैं समझता हूँ इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं, और आप सभी को भी शुभकामनाएं, और पूरे देश को, क्योंकि प्रार्थनाएं होनी है जिस तरह से कम रेशियो बताया जा रहा है सफल होने का, लेकिन इसके बाद भी उम्मीद पूरी है कि जो मिशन यहां तक हम लेकर आए हैं उसे पूरा किया जाए। हालांकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन जिस तरह से पूरा किया गया, अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, और वो पल ऐतिहासिक होगा। नजरें पूरे न सिर्फ देश की है, पूरे विश्व की इस बात को लेकर कि कैसे भारत इस मिशन को सफल करके इस तारीख को, इस दिन को ऐतिहासिक बनाता है, और फर्स्ट इंडिया भी इस पर लगातार कवरेज आपको दिखाएगा, महाकवरेज इस पर जारी रहेगा कि किस तरह से साक्षी आप और हम बनेंगे इस पल के। आप बने रहिए हमारे साथ, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन चलिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें। बहरोड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, एक बड़ा मामला था, आपको बता दें जिस गाड़ी में बदमाश भागे थे उस गाड़ी को हरियाणा से बरामद कर लिया गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि शाम तक गिरफ्त में होंगे ये सभी आरोपी, और अब जानकारी यही मिल रही है कि हरियाणा से इस गाड़ी को बरामद किया गया, तो बहरोड पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी उठ रहा था, और चलिए इस बीच एक अहम कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। जयपुर में वोदफा अवार्ड जारी है, वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड्स की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी यहां पर मौजूद हैं, फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र यहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मंच की तस्वीरें जब महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है अलग अलग क्षेत्रों में।
वोट फॉर अवार्ड वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। खास मेहमान है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि महिलाओं को सम्मानित किया गया, लेकिन साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया मुख्य अतिथि को, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। बता दें आपको 50 महिलाओं का सम्मान इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र खास तौर से मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। अभिनेत्री कोनिका सदानंद तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल यहां पर मौजूद हैं और ये पांचवा संस्करण है वोट फॉर अवार्ड्स का, पांचवा संस्करण, पांचवा साल, और सभी क्षेत्रों से जो उत्कृष्ट कार्य जिन महिलाओं ने किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कुल इनकी संख्या 50 है, जिन 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तस्वीरें जयपुर से आप सीधी देख रहे हैं। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे चंद्रयान 2 मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है, वो पल किस तरह से ऐतिहासिक बनेगा, एक एक जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा। हमारी महाकवरेज जिस पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।